सफलता की कहानी विद्यार्थी की जुबानी। इस कार्यक्रम में हम आपको नियमित रूप से अवगत करा रहे हैं उन विद्यार्थियों से जिन्होंने काव्य क्लासेस में तैयारी करके व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उन विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना जो आगामी दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जो व्याख्याता बनने का सपना देख रहे हैं, जो व्याख्याता बनना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम एक संजीवनी बूटी की तरह सिद्ध होगा। सफलता का क्या मूल मंत्र हो सकता है, सफलता की क्या रणनीति होनी चाहिए, यह हम उन्हीं विद्यार्थियों से जानना चाहेंगे जो इस रणनीति और मूल मंत्र से सफलता के पायदान पर पहुंच चुके हैं। आज इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी के एक छोटे से गांव के रहने वाले मनोहर लाल को, जिन्होंने व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हनुमानगढ़ से आकर कोटा में तैयारी की और अपना सुनिश्चित किया स्थान हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में। तो हिंदी विषय से व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयनित हो चुके मनोहर लाल का मैं इस काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है काव्य क्लासेस के इस मंच पर। मनोहर लाल जी, काव्य क्लासेस के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। काव्य क्लासेस परिवार की ओर से मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पद पर आपने सफलता प्राप्त की और अपना स्थान सुनिश्चित किया। विद्यार्थियों की तरफ से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपना स्वयं परिचय दें और बताएं कि आपने कहां से कहां आकर तैयारी की और काव्य क्लासेस में आपने पढ़कर अध्ययन करके सफलता अर्जित की। तो आप सबसे पहले अपना परिचय विद्यार्थियों को दें ताकि वो भी अभिप्रेरित हो सके। मैं मनोहर लाल, गांव भरवाड़ा गोगामेड़ी से हूँ। मेरे पापा का नाम श्री ओम प्रकाश है और 2018 की व्याख्याता भर्ती परीक्षा में मैं यहाँ काव्य क्लासेस कोटा में तैयारी करने के लिए यहाँ पे आया था और अपनी सफलता को डॉक्टर मनोज जैन जी के सानिध्य में सुनिश्चित किया। मनोहर लाल जी, आप गोगामेड़ी हनुमानगढ़ से कोटा में आए तैयारी करने, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मारवाड़ या उत्तरी राजस्थान को छोड़कर कोटा में तैयारी करने आए, तो कोटा में आपको काव्य क्लासेज और काव्य क्लासेज में भी हिंदी की तैयारी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई, यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों को आप बताएं। सर, मैं 2018 की भर्ती से पहले मैं 2016 की भर्ती में भी 2016 की भर्ती में भी मैं स्कूल व्याख्याता के लिए योग्य था, लेकिन उस समय मेरे घर वालों ने शादी कर दी मेरी, उस समय मैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उस 2016 की भर्ती में मेरे पड़ोस से मेरे मित्रों ने यहाँ से जो चार व्यक्ति आए थे, 2 सेकंड ग्रेड से और 2 फर्स्ट ग्रेड से काव्य में, और उन चारों का सिलेक्शन हो गया। तो अब वो नज़दीकी मित्र थे, अब मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाता था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। उनके कहने पे मैं काव्य में आया और उन्होंने मुझे जितना बताया था कि काव्य क्या है, उससे मैंने बहुत ज़्यादा इस काव्य क्लासेस कोटा को पाया और आज ये जो दिन आज मैंने पाया है, इसकी वास्तविक जो देन है शिक्षा के स्तर में संदर्भ में या फिर निर्देशन के संदर्भ में और अपने लक्ष्य को पैना करने के संदर्भ में, वो वास्तविक रूप से काव्य क्लासेस कोटा की देन है। काव्य क्लासेज कोटा में जब आप आए, जैसे आपके चार मित्र चयनित हुए, आपके आसपास से चयनित हुए, आपने वहाँ से जाना कि कोटा में हिंदी की तैयारी होती है, और जब आप कोटा आ गए और काव्य क्लासेज में आप पढ़ने लगे, तब आपको क्या लगा, जो सुना था उस पर हम खरे उतरे या नहीं उतरे? सर, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे पास में सबसे पहले तो ये चुनौती थी कि आ गया हूँ तो अब मुझे जाने के लिए सिर्फ सिलेक्शन को साथ में लेके जाना है। सिलेक्शन के बिना मुझे और किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। और जब मैंने सुना कि डॉक्टर मनोज जैन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सिर्फ सुना था, लेकिन जो ही मैंने उनकी फर्स्ट क्लास ली तो हो सकता है कहीं कुछ कोई कुछ भी कैसा पढ़ाता हो, लेकिन मेरे मुँह से सिर्फ उस वक्त यही शब्द था कि वाह, ऐसे भी कोई पढ़ाता है क्या, क्योंकि मैंने पहले इस तरीके से किसी को पढ़ाते हुए नहीं सुना था और नहीं देखा था। तो उस दिन मैंने ये तय कर लिया था कि अब मुझे जो डेमो लेने के लिए जो मैं 2 दिनों के लिए कोटा आया था, सिर्फ यह तय करने के लिए कि वास्तव में मुझे कोटा क्लासेस ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी,
ये तय करने आया था और फिर मैं घर पे जाके अपने सामान सामग्री पुस्तकें पैसे जो भी अपने यहाँ पे आवश्यक चीज़ें होती है वो लेके आया और फिर आते ही अपनी फीस जमा करवा दी। मनोहरलाल जी, आपने व्याख्याता भर्ती की तैयारी 2016 से की, आपने ख्वाब कब देखा कि मुझे हिंदी विषय से व्याख्याता बनना है? इसके पीछे कोई कहानी है क्या, कोई विशेष प्रयोजन है क्या? हाँ सर, मेरी 2012 में जो ही मेरी बीएड हुई उसके बाद में सेकंड ग्रेड की भर्ती आई थी। सेकंड ग्रेड की भर्ती में मैंने सेल्फ स्टडी की थी, काफ़ी खुद पढ़ा था और मेरे साथ वाले मित्रों ने मुझे कहा कि आप काव्य क्लासेस में आ जाइए। मैंने कहा नहीं, क्या है काव्य क्लासेस? मैंने उन्होंने मुझे कहा आप कोई कई साथी, उन्होंने कहा उधर आ जाइए कई कुछ साथी। उधर जो मेरे साथ वाले थे वो कोचिंग ज्वाइन, मेरा कहने का तात्पर्य ये कि उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की हुई थी, उन्होंने मुझे कोचिंग के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मैंने उनको एक ही कहा था कि मैं खुद पढ़ के सिलेक्शन करवा सकता हूँ। और वास्तविक ये भी था कि मैं कोचिंग के लिए अफोर्ड नहीं था, मतलब पैसे नहीं योग्य नहीं था। तो उस समय मैं मेहनत करके बहुत कम अंकों से रह गया था और जो मेरे मित्र थे वो दो तीन मित्र थे, उनमें से दो फ्रेंड सेकंड ग्रेड लग गए थे। तब मैंने सोचा कि यार कोचिंग करके ये सेकंड ग्रेड लग गए हैं तो अब तो मुझे फर्स्ट ग्रेड लगना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कम से कम दोस्त फेल हो जाए, वही बात है, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए या जॉब लग जाए साथ वाला तो ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मैंने सर फर्स्ट ग्रेड का रास्ता चुना। जब आपका चयन नहीं हुआ था और अब आप चयनित होकर इस मंच पर बैठे हैं, तो आप जब चयनित नहीं होते थे उससे पहले व्याख्याता के बारे में क्या सोचते थे, क्या कल्पना आपके मन में हुआ करती थी, क्या बिंब आपके मस्तिष्क में बनता था कि यार व्याख्याता ऐसा होता है, एक दिन मैं इस पद पे पहुंचाऊंगा? तो उस स्थिति को और अब जब आप यहाँ पर पहुंच गए तो कैसा महसूस होता है आपको? सर मैं एक दिव्य अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। जैसा आपने पूछा है कि आप व्याख्याता नहीं थे और जब दूसरे व्याख्याताओं को मैं देखता था, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीधा व्याख्याता पद पर चयन होने वाला मैं अपने गांव का पहला व्यक्ति हूं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। और उससे पहले हाँ, मेरे गांव के अंदर मेरे आदरणीय गुरुजन हैं जो प्रथम श्रेणी में हैं, लेकिन वो प्रमोट हुए हैं। और व्याख्याता से पहले हरियाणा में हमारे यहाँ पे कोई कॉलेज लेक्चरर भी है ऐसा सुना है मैंने, लेकिन व्याख्याता पद पर सीधा प्रथम श्रेणी में चयनित होने वाला मैं अपने गांव का प्रथम व्यक्ति हूँ। अब सर जब उन गुरुजनों के पास में अटेस्टेड के लिए जाते थे तो सीमित बोलना, खड़ा रहना, सावधान रहना और अपने साइन पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब डर उसमें था। लेकिन वास्तव में आज मैं ये सब खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे आपका क्या ध्येय है, क्या बनना चाहते हैं? सर अब आगे आपको पता है और आप बार बार हमें बताते रहते हैं YouTube के माध्यम से, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आई है, उसका फॉर्म भी भर चुके हैं। आपके सानिध्य में रह के सर अब कॉलेज व्याख्याता बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपने स्कूल व्याख्याता बना दिया है तो आप मुझे कॉलेज लेक्चरर भी बना देंगे सर। बिल्कुल, हमारी सबका मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा। अच्छा, मैं कुछ विषय वस्तु से संबंधित आपसे चर्चा करना चाहूँगा ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन मिले, रणनीति उनकी बन सके, सफलता का मूल मंत्र उनको मिल सके। जब हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने बैठते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की, तो उस परीक्षा की तैयारी में दो पेपर हमारे होते हैं, एक सामान्य ज्ञान का होता है और एक विषय का होता है। अगर मैं एक सामान्य परीक्षार्थी के नजरिए से आपसे पूछूं तो विद्यार्थी को किस पर ज्यादा वेटेज देना चाहिए, किस पर मेहनत बहुत अच्छी करनी चाहिए, ये कि उसको फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, किस पर जबरदस्त अधिकार होना चाहिए कि नहीं ये आएगा ये तो मेरा है? देखिए सर, स्कूल व्याख्याता बनने के लिए जो मिनिमम योग्यता है वह है मास्टर डिग्री है, और मास्टर डिग्री हमने जिस विषय में प्राप्त की है उस विषय को हमने बहुत पढ़ा होता है, तो बहुत पढ़ा होता है। मास्टर डिग्री में जैसे हमें हिंदी से एमए हूँ तो हिंदी को मैंने पढ़ा है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन हिंदी को सिर्फ पढ़ने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता, हिंदी को जीना पड़ता है सर वास्तव में। और मैंने इस कैसे जिया जाता है वास्तविक रूप से हिंदी को, ये मैंने काव्य क्लासेस कोटा से सीखा, डॉक्टर मनोज जैन से सीखा। हिंदी पढ़ना और हिंदी को जीना, इन दोनों में दिन रात का फर्क होता है सर। पहले तो रही बात हिंदी की कि हिंदी को जीना पड़ता है, रही बात दूसरे विषय की तो उसमें सर अपना हर क्षेत्र में कमांड होना जरूरी है और दोनों विषयों को पूरा पूरा टाइम देना जरूरी है, तभी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। बिल्कुल मनोहर जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं जब हिंदी पढ़ाने लगा और जब अब पढ़ा रहा हूँ या बरसों से ये
साधना यात्रा चल रही है। वास्तव में हम किसी भी विषय में सफलता तभी प्राप्त करते हैं जब वो विषय हमारे खून में हो, हम विषय के अनुसार नहीं, विषय हमारे अनुसार चले। जैसे कबीर के पीछे भाषा दौड़ती थी, कबीर कभी भाषा के पीछे नहीं दौड़ते थे। यही चीज हमें जीवन में रखनी है। हमारी सफलता का राज ही है कि हम खुद उस विषय को जिए, अपने खून में वो विषय होना चाहिए। चले, ऐसा कोई प्रसंग जब आप कक्षा में पढ़ रहे थे, हिंदी की कक्षा में, मेरी कक्षा में बैठे थे, और ऐसी कोई बात हुई हो जिसका आपको बड़ा आनंद या अनुभूति होती हो आज भी, जो आपको हमेशा याद रहेगी, विद्यार्थी जीवन में भी याद रहेगी और अध्यापक व्याख्याता जीवन में भी याद रहेगी, ऐसा कोई प्रसंग आपको याद आ रहा हो? सर, मैं जब यहाँ कोटा रहा था तो हमारे साथ वालों में एक बहन जी लगे हैं, उषा त्यागी, तो हम पहले दिन ही कक्षा में एक साथ में हम मिले थे, और हमारा उन बहन जी का बड़ा अच्छा योगदान रहा था। वो भी स्कूल व्याख्याता हैं, मेरे साथ में उनका चयन हुआ है। और जब हमने आपको जब साथ में रह के पहली बार जब देखा तो हमने एक बात कही थी, इस बंदे में दम है यार, वास्तव में पढ़ना इन्हीं से है, इनसे पढ़ना होगा। तो उसके बाद में हमने ये तय कर लिया था कि वास्तव में डॉक्टर मनोज जैन से इतनी दूर आया हूँ तो अब मैं कुछ खोके जाने वाला नहीं हूँ। चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जब विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा होता है, जीके का सामान्य ज्ञान का अपना महत्व होता है, जब हम फर्स्ट ग्रेड की हिंदी लेकर बैठते हैं तो आप क्या विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे? व्याकरण, काव्य शास्त्र, पुस्तकें, इतिहास के बारे में बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन आप दें, जो परीक्षार्थी आगे तैयारी करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा विद्यार्थियों को, जो आपके व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं इस विषय के संदर्भ में। सर, मेरा मानना ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको हम सिर्फ ये मान के चलें क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतना बड़ा पद है, तो हम क्यों ना बड़ी पुस्तकें पढ़ें, ऐसे नहीं होता है सर। हमें ऑथेंटिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और कुछ चुनिंदा चीज़ें ही पढ़नी पड़ेगी सर। हिंदी में मैंने शुरू शुरू में जब आया था तो मेरे पास में नगेंद्र का बहुत बड़ा इतिहास, 1000 से ऊपर ज़्यादा प्रश्न है उसमें, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी इतिहास मेरे पास में था। शुरू शुरू में ये सोच गया था कि डॉक्टर मनोज जैन द्वारा जितना कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसके साथ में समांतर में मैं ये चीज़ें पढ़ता रहूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतना कुछ हमें पढ़ाया था और इतना चीज़ें पढ़ाई थी कि मैं उन सब चीज़ों को टाइम नहीं दे पाया था, और जितना सर ने पढ़ाया मैं उतना ही पढ़ के आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप जितनी चीज़ें सीमित चीज़ें पढ़ें और जितनी चीज़ें हमें पता हो, कि ये तो सुनिश्चित स्टूडेंट को या फिर अच्छे मार्गदर्शन से पता चलता है कि कितनी चीज़ें हमें हमारे लिए सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होगी। बहुत सी बार विद्यार्थियों के सामने एक समस्या आती है, जैसे वो कमरे पर होता है तो दूसरा उसका साथी कहता है नहीं यार ये इतिहास खरीद लो, दूसरा कहता है नहीं काव्य शास्त्र की पुस्तकें खरीदो, अरे नहीं ये है खरीद लो, तो आपका क्या मानना है? क्या बहुत सारी किताबों में उलझना चाहिए कि निश्चित करके आगे बढ़ना चाहिए? सर, बहुत सारी किताबें हमें उलझाती हैं सर। बिल्कुल, हमें बहुत सारी किताबें, किताब एक भी बुरी नहीं होती, लेकिन हम बहुत सारी किताबों को एक साथ में पढ़ नहीं पाते हैं, और बहुत सारी किताबों पे को एक साथ में पढ़ने के चक्कर में हम वास्तविक चीज़ों से दूर हो जाते हैं सर, और अपना फिर ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं तीन तीन किताबें एक दो दो किताबें एक साथ खोल के बैठते हैं, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि हमें सिर्फ चुनिंदा और जो हमारे लक्ष्य को जल्दी हासिल करवा सके उन्हीं चीज़ों को पढ़ना चाहिए सर। बिल्कुल, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन हम तो ये बात कहते रहते हैं, लेकिन एक चयनित विद्यार्थी के माध्यम से बात कहें, मैं तो कक्षा में आपसे सभी से कहता था, मैंने कहा अपने पढ़ने की टेबल को बफर डिनर की प्लेट नहीं बनानी है, अपने पढ़ने की टेबल को कभी बफर डिनर की प्लेट नहीं बनानी है, हमें उसमें बहुत कुछ नहीं बनना है, हमें सिर्फ जो खाना है वही प्लेट में लेना है, जो पढ़ना है वही हमारी टेबल पर होना चाहिए, और एक निश्चित दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि दौड़ते सभी हैं, लेकिन जो लक्ष्य बनाकर दौड़ते हैं सफलता उनको निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मैं सफलता के लिए दो चार पंक्ति आपसे सुनना चाहता हूँ, हिंदी के लहजे में अगर आप कहें तो बड़ा आनंद आएगा मेरे विद्यार्थियों को। कौन कहता है कि बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते, कौन कहता है कि बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते, सफलता उनको नहीं मिलती जिनके इरादे अच्छे नहीं होते, रूखी सूखी रोटी और धक्के तो बहुत खाए हैं जिंदगी में, रूखी सूखी रोटी और धक्के तो बहुत खाए हैं जिंदगी में, लेकिन
आज देख रहा हूं कि सफलता के फल भी कभी कच्चे नहीं होते। मनोहर जी, जब आपने तैयारी की तो विषय वस्तु का तो आपने गहन अध्ययन किया, क्या कक्षा का वातावरण जहां विद्यार्थी बैठते हैं, जो कक्षा कक्ष की स्वच्छता होती है, क्या ये भी सफलता में योगदान देती है क्या? बिल्कुल सर, सफलता में हमारे आसपास का जो माहौल, कक्षा कक्ष का सीटिंग व्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं सर हमारे सफलता में। जैसे मैं काव्य में मतलब आया था तो मतलब मैंने देखा कि सभी जितने भी लोग व्यवस्थित तरीके से हैं यहाँ पे, और एकदम अच्छा मैनेजमेंट है, और इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ होने के बावजूद भी किसी प्रकार का अनुशासनहीनता मैंने यहाँ नहीं देखी। सिर्फ जो जिन लोगों का सिलेक्शन होना होता है, उन लोगों को किसी भी संस्थान की अनुशासनहीनता सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, जो मुझे यहाँ पे कतई देखने के लिए नहीं मिली सर। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, आप क्या मानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहना चाहिए कि उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए? सर, मेरे मानना तो ये है कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही है जो आज कोई कहता है मैं एक नंबर से रह गया, दो नंबर से रह गया, वो माने चाहे ना माने, वो अगर अपने अंदर झांक के देखेंगे तो उनको सोशल मीडिया ने डेफिनेटली प्रभावित किया होगा। बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूँ कि सोशल मीडिया का एक सीमित समय तक उपयोग है, लेकिन अगर आप उसमें घुस गए तो वो ऐसा दलदल है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है, परीक्षार्थी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, एक और चीज बताइए, जब हम घर छोड़कर तैयारी करने आते हैं तो आपको बहुत सारे मित्र मिलते हैं, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो मजाक भी करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन बहुत सारों का उद्देश्य होता है सिर्फ आए, कोचिंग पढ़े और चले गए, चैन पर उनका ध्यान नहीं, तो क्या जो हमारे मित्र बनते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए क्या? सर बिल्कुल, बहुत अच्छे मित्रों, आपने एक बात कही थी हमें कोचिंग संस्थान में, मुझे आपकी बातें बहुत सारी याद है, लेकिन उनमें से एक कि आपने कहा था कि आपका रूम पार्टनर अगर अच्छा नहीं है तो आज ही रूम बदल दीजिए, क्योंकि उस सफलता नहीं मिलेगी। आपने कहा था कि आपके आसपास में नियमित तौर पे बैठने वाला कोई साथी है, वो भी अगर आपको उस पढ़ने में किसी प्रकार से आप व्यवधान डालता है तो उसका साथ छोड़ दीजिए, सफलता नहीं मिलेगी। आपने कहा था, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ये सब पे लागू होता है सर, साथ वालों का, मित्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं तो इस कोटा की भूमि का हमेशा ऋणी रहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद मुझे इतने अच्छे साथी मिले, इतने सहयोगी मिले कि मुझे कभी मतलब अकेला महसूस नहीं होने दिया। हालांकि अकेला तो मैं था ही नहीं, लेकिन कभी होने नहीं दिया। यहाँ पे जब आया था तो मैं सब बहुत ही एक गरीब से परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मध्यमवर्गीय परिवार से, दादा की उनकी कोई ज़मीन नहीं है, मजदूरी करके हमारे पापा मम्मी है वो हमारा घर चलाते हैं नरेगा में जाके। तो मैं जब यहाँ आया था उस वक्त, मैं आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि 2016 में मेरी शादी हो चुकी थी, और जो ही 2016 में शादी हुई तो उसके कुछ समय बाद में एक मेरे घर में खुशियाँ आई, और एक गुड़िया है मेरे अभी, जो अभी 10 जनवरी को 3 साल की हो जाएगी, संस्कृति। तो मैं जब यहाँ काव्य में आया था तो उस समय मैं संस्कृति को 2 महीने की छोड़ के आया था सर, और मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उसके प्यार को, उसको मतलब उस छोटी सी गुड़िया को छोड़ के यहाँ पे आ जाना। ये तो तय था कि मुझे एक अच्छी संस्थान मिला है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, अच्छा पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे सर वापस खींच रही थी तो मेरी गुड़िया की याद, मुझे हर बार कहती थी कि मतलब मुझे जाना है वापस, लेकिन फिर मैंने सोचा उसी का फ्यूचर है तो मैं यहाँ पे डटा रहा, पढ़ाई करता रहा। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं सिलेक्शन के बिना तो मैं जा ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं शादी को जब 1-1.5 साल हुआ था, और मैडम के जो नए नए शादी में जो गहने वगैरह डाले गए थे उनको मुथूट फाइनेंस के अंदर मैं लोन लेके यहाँ पे पहुँचा था, तो मेरे लिए तो कोई दूसरा और ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे, मतलब बिना सिलेक्शन के यहाँ से जाने का। तो मैंने सर आपके सानिध्य में आपको जब देखता था कक्षा में आने से पहले, तो ऐसे पहले मन ही मन प्रणाम करता था, आपके चरणों को वंदना करता था कि आप मुझे यहाँ से सफलता दिलवा के भेजें। तो मेरे लिए आपका सानिध्य बहुत ही रोचक था, और मैं शायद अपने जीवन में आपके इस योगदान को कभी नहीं भूल पाऊंगा। सफलता की कहानियाँ त्याग की नींव पर ही तैयार होती है, और जिस तरह से आपने लोन लेकर गहने गिरवी रखकर, कभी कभी मुझे अपना इतिहास भी याद आ जाता है कि किस तरह से जब मैं
पढ़ा करता था, मैंने कोचिंग डाली तो किस तरह से अपने ऑफिस में मैं पोछे लगा दिया करता था, तैयार होके आ जाता था, दो ड्रेस में दो दो साल गुजार देते थे। और आपकी ये वृतांत सुनकर, मैंने जब पीएचडी किया था मनोहर जी, तो मैं आपको बता दूं, मैं 3 महीने तक अपने बच्चे से, पत्नी से बहुत दूर रहा, तैयारी की, और वो क्षण, लेकिन ठीक है, हम सफलताएं प्राप्त करते हैं तो कुछ होते हैं, त्याग हमें बहुत कुछ देकर जाता है। मैं आपसे और बातें, पत्नी और बच्चे का त्याग रहा क्या, माता पिता का जो त्याग था और आपने जो त्याग किया और उन्होंने जो त्याग किया, क्या आज इस पद पर पहुंचने के बाद अब आपको सुखानुभूति हो रही है, उनको आनंद आ रहा है? सर, माता पिता से मैं फोन पे बात कर लिया करता था, और आज भी पापा मम्मी मुझे छोटे बच्चे की तरह प्यार करते हैं। माँ बाप के लिए तो बच्चे में भी बच्चे होते हैं, और बड़ा बहुत शायद सबको ऐसा ही करते हैं सबके, लेकिन मैं गुड़िया से बात नहीं कर पाता था सर। और कॉम्प्रोमाइज ऐसा था कि मेरे पास में वीडियो कॉल वाला फोन नहीं था, मैं उसको देख सकूं। तो आरपीएससी ने इस परीक्षा को 2 बार पोस्टपोन कर दिया। अब देखिए सर, मैं 6 महीने यहाँ पे था, उसके बाद में फिर आगे बढ़ा दिया, फिर मुझे घर से दूर रहना पड़ा, फिर उसको आगे बढ़ा दिया और फिर दूर रहना पड़ा। बात कहना चाहूँगा सर, विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है परीक्षा की तैयारी को बनाए रखना। बिल्कुल, बहुत ये लाख टके की बात। अब मैंने सफलता को हासिल करने तक इस यहाँ तक पहुँचने में मैं कावे से अपनी सफलता सुनिश्चित कर चुका था। जब मैं यहाँ निकला, आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपका सिलेक्शन श्योर है, आप जाइए, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। तो हालांकि 2-4 दिन बाद में बैच का ख़त्म होना, 2-4 दिन बाद में होना था, कुछ समय के बाद ही होना था, लेकिन मैं आपसे कुछ समय 10-5 दिन पहले चला गया था, और यही कह के कि सर मैं मुझे जाना होगा, मेरा अगला महीना चाहे रूम का हो चाहे कुछ भी शुरू हो, उससे पहले मुझे जाना होगा। तो परीक्षार्थी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती है उसकी परीक्षा तैयारी को कायम बनाए रखना। यदि मैं जिस वक्त मैं कावे से गया था उसी वक्त अगर परीक्षा हो जाती, तो मेरा मानना है कि मैं आरपीएससी के टॉप 100 में या टॉप 50 में मैं अपना रैंक लेके आता। आज भी मेरी अच्छी रैंक है, लेकिन उस समय बहुत अच्छी रैंक आती। ये रैंक की अपेक्षा मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से करूँगा कि कॉलेज लेक्चरर में आपकी ये रैंक आनी चाहिए, और इस मंच पर दोबारा मैं आपके साथ बैठा हूँ और आप मेरे साथ बैठे हैं, मुझे बड़ी गौरवान्वित मैं अपने आप को महसूस करूँगा। मनोहर जी, आप जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पे कावे में कोचिंग करता था, तो मन है कभी कभी ऐसे करता था कि आज नहीं पढ़ेंगे, सो जाते हैं। सोने के बाद में 15-20 मिनट के बाद में सोचता था कि मम्मी पापा अभी खाना खाने के बाद में सोने से पहले मन ही मन में इसको सोच रहे होंगे कि बेटा पढ़ रहा है, लगेगा नौकरी और फिर दिन अच्छे आएंगे। मम्मी पापा ऐसा सोच रहे हैं इस वक्त, मुझे पता है, और तू सो रहा है, अच्छा पढ़ रहा है बेटा उनका। तो फिर मैं फिर से किताब उठा लेता था और फिर मैं पढ़ता था रात को 2-2, 3-3 बजे तक। मुझे कक्षा में नींद आती थी, लेकिन मैं मेहनत करता था। कावे क्लासेस में मैं एक बार बहुत बीमार भी हो गया था, और डॉक्टर मनोज जैन जी के जो यहाँ के जो सहयोगी हैं, उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा, मुझे अस्पताल लेके गए और वापस मुझे यहाँ पे खाना वही खिलाते थे। उन्होंने डॉक्टर ने जो जो खाना बोला था वो मैं पर्सनल तो पत कहाँ से लेके आता, उन्होंने दही बोला था, खिचड़ी बोली थी, तो यहाँ के सर के जो साथ सहयोगियों ने मुझे ये सब दिया और मैं 2-3 दिनों में ठीक हो गया। मनोहर जी के व्यक्तित्व से मैं भी काफ़ी प्रभावित रहा, मेरे मोबाइल में बहुत कम विद्यार्थियों के नंबर रहते थे, लेकिन कभी इनका फोन आ जाता था और कभी मैं आगे होके फोन कर लेता था मनोहर जी से, और मुझे बिल्कुल विश्वास था कि हड़ौती में हम विद्यार्थियों के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं, लेकिन हड़ौती से बाहर के, जैसे आपका मैंने करौली से परिचय करवाया था, हमारे विशन सिंह जी से और भी विद्यार्थियों से मैं समय समय पर आपसे उनका साक्षात्कार करवाता रहूँगा। हनुमानगढ़ से हमारे यहाँ पहले भी विद्यार्थी चयनित हुए, फर्स्ट ग्रेड में जिसे आपने दिया, सेकेंड ग्रेड में। मनोहर जी से मेरा विशेष लगाव था, मैं मनोज और ये मनोहर सिंगरा से एक ही बैठते हैं, तो मुझे बड़ा विश्वास था, इसलिए मैं इनसे फोन करके पूछता रहता था, ये पूछते रहते थे क्या मेरी रिट जाएगी क्या नहीं जाएगी। लेकिन जब विद्यार्थी सफलता के पायदान पर पहुंच जाता है तो हम अध्यापकों को बड़ी सुखद अनुभूति होती है। आर्थिक चीजें समय के साथ आती और गौण हो जाती है,
लेकिन जो सफलताएं होती है वो जिंदगी के साथ भी रहती है और जिंदगी के बाद भी रहती है। मनोहर जी आज हमारे यहाँ हनुमानगढ़ से चल के आए सिर्फ इसलिए ताकि आपको सही मार्गदर्शन दे सकें, आपको काव्य क्लासेज और डॉक्टर मनोज जैन के बारे में बता सके, आपको सफलता के बारे में बता सके, रणनीति क्या हो सकती इसके बारे में बता सके। अंत में मैं मनोहर जी से एक बात और पूछना चाहूँगा, ये मेरा स्वार्थ मान लीजिए, ये मेरी इच्छा मान लीजिए, काव्य क्लासेज और काव्य क्लासेज में आपके निजी अध्यापक डॉक्टर मनोज जैन के बारे में आप दो शब्द कहें। सर जी, जब किसी विद्यार्थी को वास्तविक सही दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है, जब वो कहीं पे भी जाता है, किसी भी संस्थान में जाए, उसको पता नहीं होता उसे क्या मिलेगा, इस दिशा मैंने आपको बताया। लेकिन मैं भावी व्याख्याता हूँ, भावी द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापकों और रीट अन्य जो साथी विशेष तौर पर अध्यापकों RPSC द्वारा आयोजित भर्तियों में कॉलेज लेक्चरर निवेदन करता हूँ कि विश्वास कीजिए डॉक्टर मनोज जैन के जैसा दिशा निर्देशन और आत्मविश्वास जो भरने की जो इनके इनके पास में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने खुद महसूस किया है, मैं अपने आत्मा की आवाज़ से बता रहा हूँ आपको, एक बार विश्वास कीजिए आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और तैयारी सभी करते हैं और तैयारी परिणाम के बाद में जो निराश हो जाते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, आइए एक बार अपना के देखिए, आपको वास्तव में बहुत सारे सब कुछ यहाँ देखने के लिए मिलेगा, मेरा वादा है आपसे। मनोहर जी आप इस मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं डॉक्टर मनोज जैन और काव्य क्लासेस परिवार की ओर से और सभी छात्र छात्राओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करेंगे कि भविष्य में भी आप अच्छे पद पर जाकर हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे, हमारे हाड़ौती का नाम ऊंचा करेंगे, साथ ही आप अपने गांव, अपने समाज, परिवार का नाम भी ऊंचा करेंगे और माता पिताओं के लिए, पत्नी के लिए जो आपने समर्पण किया उनके लिए अब आपकी सफलता एक सुखदायी परिणाम के रूप में होगी। कुछ पंक्ति या दो पंक्ति, चार पंक्तियां, जो भी हृदय की अनंत गहराई से आप कहना चाहते हैं विद्यार्थियों के लिए। सर मैं धन्य हूँ जो मुझे माता पिता ने इस सृष्टि पे उतारा, मैं उनका आभारी हूँ सबसे पहले। उसके बाद में मेरे सहयोगियों में मेरे चाचा जी दौलतराम, मेरे परिवार वाले, मेरे छोटे भाई, भाई भैया विकास भैया, मुकेश भैया, उनका सबका आभारी रहूँगा। और आर्थिक रूप में मुझे सहयोग करने वाले हमारे पिता तुल्य जमन प्रकाश जी जो वर्तमान में इस दुनिया में नहीं हैं, उनका भी मैं अपने जीवन में हमेशा आभारी रहूँगा। उन्होंने मुझे अपना दिशा निर्देशन दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो मेरे भावी अध्यापक हैं उनके लिए कहना चाहूँगा हरिवंश राय बच्चन जी की दो पंक्तियाँ कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। आपकी इस मेहनत, ब्याज का पैसा लेके पढ़ना, पत्नी और बच्चे का वियोग देखना, ऐसा दुर्दश जीवन, मुझे ऐसा लगता है कि निराला की छवि आपने दिखाई देती है, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। दो पंक्तियां मुझे आपके लिए आती है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। मैं मनोहरलाल जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वह हनुमानगढ़ से चलकर आज यहाँ आए और हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। एक बार मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ कि आपने ऐसा किया, इसके लिए बहुत बहुत